मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के किसी एक्शन की वजह से सिटीजन्स के सिविल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो फिर उन सिटीजन्स के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी? और ये ओम्बड्समैन होता कौन है? ओम्बड्समैन किसको कहते हैं? क्या काम होता है? अगर आप सबको इन सवालात के जवाब चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ओम्बड्समैन से रिलेटेड, जिसमें पहले हम देखेंगे कि ओम्बड्समैन की मीनिंग क्या होती है, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन होता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये जो है वो ऑफिस इस्टेब्लिश हुई, कैसे मतलब फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट हुई इस ऑफिस की। थर्डली हम देखेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान एंड इंडिया में किस तरीके से होती है, कैसे होती है। एंड लास्टली हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कि पर्पस क्या है ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट का। तो चलिए पहले देखते हैं कि ओम्बड्समैन या लोकपाल का मतलब क्या होता है। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें ओम्बड्समैन की, तो ओम्बड्समैन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। अगर किसी भी ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाए लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, तो उस पर्सन का नाम होता है ओम्बड्समैन। और अगर हम इसी की मीनिंग ब्लैक लॉ डिक्शनरी अकॉर्डिंग देखें तो ये कहती है कि एन ऑफिशियल हु इज़ अपॉइंटेड to investigate the complaints of the citizens against administrative authorities. मतलब कि अगर किसी भी administrative authorities के against किसी citizens की complaints हैं, तो उन complaints को investigate करने के लिए जो official appoint किया जाएगा, जो institution establish किया जाएगा, उस institution का नाम होगा ombudsman. तो अब हम आते हैं ओरिजिन पे कि ये ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन जो है, ये जो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहले कॉन्सेप्ट जो है ओम्बड्समैन का, वो ओरिजिनेट हुआ स्वीडन से 1809 में। 1809 में पहली दफ़ा स्वीडन ने एक ऑफिस इस्टेब्लिश करी थी, एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करा था ओम्बड्समैन का, और उसमें जो पर्सन अपॉइंटेड थे उन पर्सन का नाम था एक्स ऑफिशियो ओम्बड्समैन। ये तो रही 1809 की बात, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में एंशियंट टाइम्स में हमें ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन चाइना के पास ही मिलता है। चाइना में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जिसका काम वही सेम था जो ओम्बड्समैन का होता है, लेकिन उसका नाम था सेंसरेट। मतलब उसका नाम सिर्फ चेंज था, लेकिन काम उसका पर्पस वही था जो कि एक ओम्बड्समैन का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि इट्स मैंडेट वॉज टू मॉनिटर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू डिटेक्ट एनी मैल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच थ्रेटन द राइट्स ऑफ द पीपल। मतलब कि जैसे कि ओम्बड्समैन का काम होता है मैल एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेक्ट करना एंड इन्वेस्टिगेट करना, सेम ही वो पर्पस था सेंसरेट का जो कि चाइना में हुआ करता था, लेकिन उसका नाम कुछ और था, काम वही था। अब हम आते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि आप जब भी ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको मैल एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज बहुत सुनाई देगा। तो मैल, जैसे कि आपको पता है, मैल रेफर्स टू बैड एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्नमेंटल जो फंक्शंस होते हैं। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि अगर कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई ऐसा काम करता है जो कि लॉ के खिलाफ है, कोई ऐसा काम करता है जो कि मैलाफाइड एक्ट है, कोई ऐसा काम करता है जो कि बायासनेस उसमें है, जिसमें इम्पार्शलिटी नहीं है, तो ये सारे अगर कोई एक्ट है मतलब, तो वो एम्बिट में आ जाएंगे मैल एडमिनिस्ट्रेशन के। और जब भी किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ में मैल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, बायास होगा, नेग्लिजेंस होगी, डिले होगा या मैलाफाइड एक्ट होगा, तो वहाँ पे जो ज्यूरिस्ट्रिक्शन बनेगी वो बनेगी ओम्बड्समैन की। और वहाँ पे कोई भी अगर सिटीजन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं उस एक्शन की वजह से, तो वो डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ओम्बड्समैन के पास। ये तो हो गया इसका ओरिजिन। अब हम आते हैं कि ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक पूरा एक्ट है जो गवर्न करता है ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट, ओम्बड्समैन की फंक्शनिंग को। तो इंडिया में जो अल्टरनेट टर्म है ओम्बड्समैन, तो हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इंडियन जो टर्म है ओम्बड्समैन के लिए वो है लोकपाल। और इंडिया में जो सारा एक्ट गवर्न करता है वो है लोकपाल एक्ट 2013 का। इसके सेक्शन 3 के मुताबिक जो है इस्टेब्लिशमेंट होती है लोकपाल की, और उसके बाद यही एक्ट जो है वो गवर्न करता है पूरे लोकपाल रिलेटेड लॉज को। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंशियल ओम्बड्समैन ऑर्डर के आर्टिकल 3 के तहत होती है, जिसमें ये लिखा है कि ओम्बड्समैन को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स।
अब हम आते हैं कि ऑम्बड्समैन का अपॉइंट करने का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, मतलब कि ये ऑम्बड्समैन हमें क्यों अपॉइंट करना पड़ता है, क्या उसका जो है वो, जैसे कि काम तो आपको पता चल गया कि आपको इसकी फंक्शनिंग से पता चल चुका होगा कि इसके अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, फिर भी हम देखते हैं कि पहले तो इसका मेन पर्पस जो है वो है सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर सिटीजन्स के राइट्स वायोलेट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के किसी गलत एक्शन की वजह से, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम ऑम्बड्समैन का होता है। तो इसका एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। सेकेंडली इसका ऑब्जेक्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट अदारों में कोई भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, कोई अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, कोई एक्ट कॉन्ट्ररी जो लॉ हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जो है ऑम्बड्समैन ज़रूरी है। ये भी एक पर्पस है कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। और नंबर थर्ड है तो इम्पार्ट जस्टिस। जाहिर है जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के किसी एक्शन की वजह से सिटीजन्स के राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो वहाँ जस्टिस तो हुआ ही नहीं, तो जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए ऑम्बड्समैन को अपॉइंट किया जाता है, और मेल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए ऑम्बड्समैन को अपॉइंट किया जाता है, और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करवाने के लिए ऑम्बड्समैन लाजमी है हमारे पास। तो ऑम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बहुत ही मतलब आला इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वजह से हमें मेल एडमिनिस्ट्रेशन डिटेक्ट करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना और सिटीजन्स को रिड्रेस करने में हेल्प मिली। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और इसका कंटेंट जो है आपको हेल्पफुल लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके नोट्स भी डाल दिए हैं, उसकी लिंक्स जो है, लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी, आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी है तो आप वो हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं।